एक पॉन्ड में तीन फिश रहती थी। एक का नाम था प्लान अहेड, एक का नाम था थिंक फास्ट और एक का नाम था वेट एंड सी। उन तीनों ने एक फिशरमैन को अगले दिन तालाब में बात करते हुए सुना कि वह अगले दिन तालाब में जाल डालने वाला है। तब प्लान अहेड ने बोला कि वह पानी में नीचे चली जाएगी। थिंक फास्ट ने बोला कि वह कुछ सोचेगी, लेकिन वेट एंड सी ने बोला कि वह देखेगी जो भी होगा। अगले दिन फिशरमैन ने जाल डाला, तब प्लान अहेड तो पानी में नीचे चली गई और वेट एंड सी एंड थिंक फास्ट दोनों पकड़ी गई। अब थिंक फास्ट ने प्रिटेंड किया कि वह मर गई है और फिशरमैन ने उसे वापस पानी में डाल दिया और वेट एंड सी को वह मार्केट में बेचने के लिए ले गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप प्लान करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आज हम जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट प्लानिंग के बारे में, जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है फाइनेंशियल प्लान के बारे में। हेलो एवरीवन, आज हम माइंड मैप करेंगे बुक द वन पेज फाइनेंशियल प्लान का, जिसके ऑथर हैं कार्ल रिचर्ड। इस वीडियो के माइंड मैप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के को चार पार्ट में डिवाइड किया है, जैसा कि बुक में डिवाइड किया गया है इसको। पहला है डिस्कवरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी क्वेश्चन। फाइनेंशियल प्लान बनाने की पहली स्टेप है कि आप कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, ये पता करना। पैसा आपके लिए क्यों ज़रूरी है, ये क्वेश्चन डीप डिज़ायर और फियर जो अनकवर करने के लिए या तो हम बिजी हैं या डरे हुए हैं वो सामने लाता है। यह प्रोसेस अनकंफर्टेबल हो सकती है, परंतु हमारे लिए क्या मैटर करता है वो पहली स्टेप होती है वो फाइनेंशियल डिसीजन बनाने की, जो आपकी वैल्यू के साथ सिंक करते हैं। हम सभी जानते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किए बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र से सॉल्यूशन पूछना बेकार है, फिर भी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज यहीं से शुरू करती हैं, बिल्कुल अंत से। क्यों पूछने का पर्पस, स्पेसिफिक गोल्स और प्लान को के एक्शन को ढूंढने का नहीं है। क्यों पूछने का मतलब है आपके पास जो सर्टन गोल्स हैं उनका क्या, उनका कारण पता होना। पहला आंसर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा अगर आप खुद को टाइम देते हैं, रुक कर सोचते हैं, तो आप डीप में जाकर यह देख सकते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। जब आपको पता होता है कि आपकी वैल्यू के बारे में कि क्या ज़रूरी है आपके लिए, तो उन चीज़ों को ना कहना बहुत आसान होता है जो ज़रूरी नहीं है। जैसा कि स्टीवन कोवे ने भी अपनी बुक में कहा था, ना कहना आसान होता है जब आपके अंदर एक यस बर्न कर रहा हो, डीपर यस बर्न कर रहा हो। तो क्यों पूछना आपकी डीपर एस पहचानने में मदद करता है। नेक्स्ट इज गेस वेयर यू वांट टू गो। जब फाइनेंशियल फ्यूचर प्लानिंग की बात आती है तो एक बात वो है जो जिसे हम सभी लोग बहुत डरते हैं, वो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, कि हमें नहीं पता होता कि हमारे डिसीजन सही होंगे या गलत होंगे। कोई नहीं बता सकता कि अगले दिन, कल, अगले महीने, साल, 10 साल में स्टॉक मार्केट कहाँ होगा। अगर कोई बताता है तो आपको वहाँ से भागना चाहिए। और मैं हर महीने ट्रेवल फंड के लिए पैसा बचाऊंगा एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन मैं हर महीने 15 तारीख को 1000 रुपये बचाऊंगा, ये उससे भी अच्छा है। मतलब आपको स्पेसिफिक रहना है अपने गोल्स के बारे में और अपने आप को थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल भी आप रख सकते हैं। परफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता, परंतु ये नेचुरल है कि हम चाहते हैं कि हमारा पैसों को लेकर जो डिसीजन है वो परफेक्ट हो। पर प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ बदलता रहता है। हम कितना भी अच्छा प्लान बना लें, गैस कर लें, पर हार्ड ट्रूथ तो ये है कि हमारे पास सब कुछ पाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होगा, क्योंकि गलतियों होने के चांसेस होते हैं, हम कितना भी गैसी क्यों ना कर लें। नेक्स्ट इज गेट रियली क्लियर अबाउट योर करंट लोकेशन। कई लोगों के पास अपनी प्रेजेंट की या आज की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। आपको इसके लिए अपने एसेट और लाइबिलिटीज को टैली करना होगा या एक पर्सनल बैलेंस शीट बनाना है, जो सिंपल है। आपको लिस्ट बनाना है कि आप क्या ऑन करते हैं, आपके पास क्या चीज़ें हैं, या और आप क्या ओ करते हैं, आपके पास क्या उधार है, क्या आपकी लायबिलिटीज़ है। ये बनाकर आप देख सकते हैं कि आप कहाँ एट प्रेजेंट कहाँ पर लाई करते हैं। सेकेंड पार्ट है स्पेंडिंग एंड सेविंग, बजटिंग एज अ टूल फॉर अवेयरनेस।
जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो इसके पीछे कारण होता है कि हमें वो चीज़ चाहिए, और इसके पीछे एक और स्टोरी हम भूल जाते हैं, वह है कि उसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक टूल है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, वो है बजटिंग। अब बजटिंग का मतलब ये नहीं है कि बजट का मतलब है अवेयरनेस। इसका मतलब, इसका पर्पस आपको पैसे खर्च करने के लिए परेशान करना नहीं है, इसका पर्पस है अवेयर रहना कि हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारे लिए ज़रूरी है उसके लिए हम बचा सकें। बजट से हमें रियलिटी पता चलती है कि हम कैसे खर्च कर रहे हैं। यह हमें अपॉर्चुनिटी देती है देखने की कि कहाँ गैप है और कहाँ हम खर्च कर रहे हैं और क्या ज़रूरी है हमारे लिए। जब आपको आइडिया लग जाता है कि आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या हैं, तब आप ट्रैक कर सकते हैं और तब आप ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हैं जो भी आप खर्च कर रहे हैं। जो टूल्स आपके प्रोसेस में स्टिक रहने में मदद करते हैं उन्हें यूज़ करें। बजट को एक फन और एम्पावरिंग करने वाला टूल की तरह देखें, जो आपके वन टाइम इवेंट हैं, जहाँ आप बोलते हैं कि सिर्फ एक बार ही की तो बात है खर्च करना है, या फिर एक ही बार खर्च करना है तो हम जितना चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन ये इवेंट कई बार आपकी एक्सपेंसेस को, आपके बजट को गड़बड़ कर देते हैं। सेव एज मच एज यू रीजनेबली कैन। लाइफ सिर्फ रिटायरमेंट के बारे में नहीं है, और फाइनेंशियल प्लान बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज़ें छोड़ दें जो आपको आज हेल्दी, हैप्पी और सेफ बनाती हैं। आपको कैसे पता कि आप इनफ सेव कर रहे हैं? तो रीजनेबल का मतलब, और रीजनेबल का मतलब क्या है, यह डिपेंड करता है, क्योंकि सभी की लाइफ अलग है, सभी की लाइफ परिभाषा अलग है रीजनेबल की, और हमारे लिए क्या है वो सिर्फ हमें पता है। कई बार हम चीज़ें तुरंत खरीद लेते हैं और पूछते नहीं हैं कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं, हम इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं। इसके लिए आपको 72 आवर्स के लिए रोकना चाहिए, और फिर भी अगर ज़रूरी लगे वो चीज़, तो फिर आप उसको सामान को खरीद लेना चाहिए। आपको परफेक्ट इन्वेस्टमेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। और बेसिक ऑफ सेविंग, उतना बचाएं जितना आप रीजनेबल तरीके से बचा सकते हैं। कमाई से खर्च कम रखें, पैसे लूज ना करें अपना। अगर आप लेट इन्वेस्ट करते हैं तो यह सोचकर स्पेकुलेशन ना करें और हर कहीं पैसा ना लगाएं। फोकस करें अभी सेव करने पर, जिससे कि आपकी आदत बने। पार्ट 3, इन्वेस्टिंग। बाय जस्ट इनफ इंश्योरेंस टुडे। इंश्योरेंस लेने का रूल ऑफ थंब है कि अगर कोई आप पर इकोनॉमिकल डिपेंड करता है तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत है। टर्म इंश्योरेंस खरीदें। सेविंग एज यह एक सेविंग या इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर यह इकोनॉमिक लॉस को रिप्लेस करता है जो डेथ होने पर हो सकता है। कई इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको इमोशनल करके आपके कई इंश्योरेंस आपको ऐसे सेल करने की कोशिश करेंगे, परंतु आपको इमोशनल लॉस और इकोनॉमिकल नीड को ध्यान में रखकर ही अपना डिसीजन लेना है कि कौन सा प्लान आपके लिए ज़रूरी है, आप कहाँ बिलोंग करते हैं। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड, बोरोइंग एंड स्पेंडिंग वाइजली। जब इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो केवल आपकी गोल ही मैटर करते हैं। मोस्ट बेसिक इन्वेस्टिंग रूल है कि ज़्यादा आप कमाओ और खर्च अपने कम रखो। डेट पे करना आपको गारंटीड रिटर्न दे सकता है, तो जहाँ आपको गेन ज़्यादा है और आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वहां पर आप ज्यादा पे करें। यह आइडिया कहलाता है डेट अवलांच, और जो बहुत इफेक्टिव है। क्रेडिट कार्ड से बहुत इजीली आजकल लोन मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है।
जैसे कैजुअली ट्रीट करने लगते हैं लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपके इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहते हैं। तो किसी चीज़ पर ज़्यादा खर्च करना बुरा नहीं है, अगर आपके बजट में है वो चीज़ और आपकी वैल्यू से मैच करती है और आपके गोल से मैच करती है, तो उस चीज़ को आप ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप बजट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेस्ट लाइक अ साइंटिस्ट। अधिकतर लोगों के इन्वेस्टमेंट के एक्सपीरियंस खराब होते हैं क्योंकि वो स्पेकुलेशन करते हैं, यानी बिना किसी रिसर्च के या फैक्ट को देखे हुए पैसा लगाते हैं। ऑथर से जब लोग बोलते हैं कि वह सैमसंग या एप्पल के शेयर लेने वाले हैं, पर यह पूछने पर कि क्या उन्होंने लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट पढ़ी है, किसी का भी जवाब हाँ नहीं होता। तो तीन प्रिंसिपल ऐसे हैं जो आपको याद रखना चाहिए, जो साइंटिफिक और हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड हैं, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। पहला है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, मतलब पैसा अलग अलग जगह लगाएं, आप कीप योर कॉस्ट लो। सेकंड, थर्ड आता है कोरिलेशन बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड, मतलब अगर रिस्क ज़्यादा है तो रिवॉर्ड के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं या आपने डाइवर्सिफाई किया है, कॉस्ट लो रखी है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। पार्ट फोर, स्ट्रेटजीज फॉर अवॉइडिंग बिग मिस्टेक्स। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए मैटर क्या करता है। आप परफेक्ट बजट बना सकते हैं, आप सही इंश्योरेंस ले सकते हैं, आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा परफेक्ट पोर्टफोलियो हो सकता है, पर अगर आप इस पर स्टिक नहीं रहेंगे तो ये सब वेस्ट ऑफ एफर्ट हो जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। हायर अ फाइनेंशियल एडवाइजर। कई डिसीजन हमारे इमोशनल होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हैं, आप एक ह्यूमन ही हैं और कोई ऐसा व्यक्ति आपकी हेल्प कर सकता है जो आप नहीं हैं, जिससे आप इमोशनल डिसीजन ना लें, और जो डिसीजन लें वो जरूरी हैं आपके लिए, जो सही हैं आपके लिए, और इसमें आपके एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हेल्प कर सकता है। अगर आपको पहले से क्लैरिटी है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपको क्या मैटर करता है, तो अब आप फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं। वेव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फाइनेंशियल सक्सेस एक स्किल से ज़्यादा एक बिहेवियर है। फाइनेंशियल स्टेप की लास्ट स्टेप है गार्ड रिलीज बनाना, मतलब कि रिमाइंडर्स बनाना, जिससे कि आप सही रास्ते पर चलते रहें, आप कोई गलती ना करें, आप भटकें ना अपने रास्ते से। नाउ आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इट इज़ नॉट अबाउट रिटायरमेंट अकाउंट, इट इज़ अबाउट गिविंग यू द टाइम टू डू वॉट मैटर्स द मोस्ट। सो ये था माइंड मैप बुक वन पेज फाइनेंशियल प्लान का। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और हम मिलते रहेंगे वीडियोस के थ्रू, जिससे कि आपकी लाइफ में वैल्यूबल कंटेंट हम लाते रहेंगे, आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट होती रहेगी, आप कुछ नया सीखते रहेंगे, हम भी कुछ नया सीखते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।